कानून व्यवस्था जो सुधरा था 2005 से 2010 में, आज आप पटना को देखिए क्या हाल है। दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, बालू के मुद्दे पर, शराब के मुद्दे पर पूरी सरकार ने पूरा प्रशासन को बिल्कुल पंगु बना दिया है। और आज यहाँ जो महागठबंधन की सरकार, जो कहते हैं सरकार तो है ही नहीं, क्या सरकार होगी, इतना लाचार बिल्कुल असहाय मुख्यमंत्री तो आज तक बिहार में हुआ ही नहीं। इसका कारण क्या है कि नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था 2025 तक एनडीए के नेता ग्रुप में काम करने के, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में उन्होंने पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ करके महागठबंधन में चले गए और अब कह रहे हैं कि आजीवन उसी में रहेंगे। आप जरा इस चीज़ को समझिए कि भाई आखिर नीतीश बाबू की राजनीति क्या बिहार में रही थी, उनकी पूरी राजनीति जिसको आप आरजेडी पार्टी है उसके खिलाफ रही थी। तो जिसके खिलाफ आपने राजनीति किया आज उसी की गोद में बैठ गए हैं और उनके ज़्यादा विधायक हैं, आपके कम विधायक हैं, तो आप में शासन करने का आत्मबल, मनोबल और राजनीतिक बल बच ही नहीं गया है। इसीलिए बिहार में आप देखिए चारों तरफ क्या स्थिति है। कल उन्होंने वहाँ एक रैली किया, आपने रैली में ही देखा ना कि आरजेडी के युवा साथी लोग उनको पलटू चाचा कह के पुकार रहे थे। अब बताइए वो कह रहे हैं सात पार्टी हम लोग साथ हैं, आपस में तो मन मिला है न, दिल मिला है न, विचार मिला है, तो कैसे फिर स्थिति में बिहार में कोई सरकार काम कर सकती है। तो बिहार में तो आज कोई